अम्मा कहने को तो फाखर भी यही कहता है कि आमना और वो सिर्फ दोस्त हैं। गलत फहमी भी तो हो सकती है गुड़िया। वो उससे इंस्पायर्ड है। आप एक चांस तो दे सकते हैं ना आपी को, प्लीज। मैं उसको अब कोई चांस नहीं दे सकता हूँ। ये बात कुछ और लगती है। हबीब माफ कर दे, हबीब भाई ऐसा ना करे। मैंने उसे जबानी तलाक दे दी है, वो कागजात भी आ जाएंगे बहुत जल्द। तुम आओ और उसको यहाँ से आकर ले जाओ। कागजात के लिए मैं वकील से मिलकर आ चुका। फाखर बदानी में हसन पैदा हो गई है। आनी समझ गया कि अम्मा के कहने पर फाखर बैठ जाना चाहता है, जिस बिना पर दोनों में लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब फाखर की माँ आनी को रोता देख कर कहती है कि ये सब हमारी गलती है, हमारे फैसलों की वजह से आज ये सब देखना पड़ रहा है तुम दोनों को। जबकि अक्रम अब भी आयला का पीछे नहीं छोड़ रहा कि देखती जो मैं कैसे बेइज्जत करवा के तुम्हें इस घर से निकलवाऊंगा। आयला पहले सदमे का शिकार और अब इसके मुँह से सच भी निकल गया है कि उस रात हबीब की माँ ने दवाई मांगी और उसने ना दी, जिस बिना पर हबीब की माँ का इंतकाल हो गया। अब हबीब बेहद गुस्सा है कि तुमने मेरी माँ को मारा है।